चुका पोल्यूशन क्यों करना किस वास्ते क्या तो मना कर जेल भी हमारे लिए बनी थी एक ही होया एक ही होया होती मोया एक ही होया होती मोया एक ही होया होती मोया एक्स सरकार हाय हाय बीजेपी हाय हाय विदेश प्रशासन हाय हाय ऐसे को हमारे साथी छूटेंगे हमारे बात कर के ना बना लोकतंत्र को दुबारा बंद करो बंद करो बंद करो लोकतंत्र दुबारा बंद करो बंद करो बंद करो मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ ऐसी सरकार होश में आओ होश में आओ मोदी सरकार हाय हाय एक ही आया मोदी मोया एक ही आया मोदी मोया नहीं चलेगी देश के किरदारों को बेईमान लीडरों को बेईमान लीडरों को देश के किरदारों को देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। आपको बता दूं कि ये जो माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने जहां खड़ा किया है ये जम्मू कश्मीर को एक मणिपुर बनाना चाहते हैं। जैसे मणिपुर में उनकी 3 महीने नींद नहीं खुली थी इसी तरह ये यहां पे भी नींद में सोए हुए हैं। ये चाहते हैं कि पूरा जम्मू जले पूरा गांव जले शहर जले और ये उसमें तमाशा रखे। ये तमाशा आप देख रहे हैं पूरे शहर बंद है पूरे गांव बंद है सड़कें बंद है व्यापार बंद है हर चीज बंद है लेकिन इन सरकार की क्यों नहीं रेख रही है। कहाँ छुपे हैं इनके जो 25 MLA यहाँ जीत के भेजे थे कहाँ है हमारे यहाँ से जो PMO में मंत्री बैठे हुए हैं क्यों चुप्पी साधी हुई है उन्होंने। हमारे यहाँ पे सड़क नहीं है हमारे यहाँ पुल नहीं है सिर्फ यहाँ पे शराब माफिया टोल माफिया भू माफिया और खनन माफिया है। माफियों का यहाँ पे राज है अब ये राज यहाँ देर तक नहीं चलेगा। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की आंखें खुली ये प्रदर्शन बारे जो यहाँ पे हो रहे हैं सिर्फ उन नौजवानों के लिए उन डोगरा नौजवानों के लिए जो हमारी खातर हमारे टोल प्लाजाओं की खातर स्मार्ट मीटरों की खातर जम्मू का स्टेटहुड वापस लेने के लिए हमारी नौकरियों के लिए हमारी जमीनों के लिए जेलों में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं उन नौजवानों के लिए संघर्ष है। ये संघर्ष रुकेगा नहीं। कल एडिशनल DGP और बाकी हमारे डिप काम जो वहाँ पे जो बयान दे रहे थे कि कोई इनकी गारंटी ले पूरा जम्मू समाज इनकी गारंटी लेता है ये हमारे युवा बिल्कुल ठीक है सत्य पे मार्ग पे है और अडिग है और उन्होंने अहिंसात्मक जो आंदोलन किया था उसमें कोई कार्रवाई नहीं बनती थी। झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं झूठे केस फाइल किए गए हैं तमाम मुकदमे रद्द होने चाहिए और सरकार को इनसे माफी मांगनी चाहिए। जड़ी
मैं गल करना चाहना डोगरा समाज की सचेत करना चाहना जिदे विच हर धर्म के लोग हर धर्म के जाति समाज के बंदे ने मैं ये आखना चाहना कि हुण एक तरफा मुद्दा नहीं है सारा मुद्दा जिहड़ा एक टोल प्लाजे का मुद्दा नहीं है सारा मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स और जिन्ने भी बीजेपी ने सानू खून चूसने वाले टैक्स लाए हैं इन्दे सारे उपर स्मार्ट मीटर ये सारे उपर गल हो असि ये चाहते हैं साड़ी हूँ 370 भी वापस चाहिए सानू असि हूँ साढ़े साथी देने छटने छटने क्योंकि हूँ कोई हूँ 302 थोड़ी कतल केस थोड़ी कोई अंदर कराए कुत्ते ने असि चाहते हैं कि टोल प्लाजा बयान निकल है वो भी बंद होना ही होना अच नहीं तो कल से कल नहीं तो परसों बंद होना है लेकिन सारे मुद्दे न एक जो स्मार्ट मीटर और जो प्रॉपर्टी टैक्स और पानी वगैरह के जो सोचे करते आने वाली चाल चले करते हैं लोगों का खून चूसने वास्ते ये सारे मुद्दे मसले हल होंगे तो यह अंदोलन खत्म हो जाए जय भारत जो अपनी पावर का मिस यूज करेगा जो तानाशाही करेगा उसका सुपड़ा तो साफ होगा ही लोकतंत्र है भाई पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खत्म क्यों खत्म है क्योंकि तो लोगों ने भाजपा से प्यार किया मोदी जी को वोट डाला 370 टूटने के बाद लोगों के दिल में बड़े रमान थे कि मोदी जी जहां पर नौकरियां लाएंगे लोगों के लिए तोहफे लाएंगे यहां पे शांति बहाल होगी तो आज जो मंदिरों का शहर है वो पुटस का शहर बन गया तो दोस्तों साथियों आने इन्होंने दिया कुछ नहीं शराब के ठेके दिए और शराब के ठेके लाने लेने वाले कौन थे बाहर के लोग थे क्रशर को लेने वाले कौन थे बाहर के लोग थे और मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी एक जरिया है मोदी अंबानी अडानी का दलाल है आज जो नीलम का ठेका हुआ वो नीलम भी कौन ले जाएगा वो अंबानी अडानी ले जाएगा और जो भी अंबानी अडानी हो गए इस तरह के मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक है वो अपना प्रॉफिट देखेंगे और जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते थे कश्मीर की लड़ाई अलग होगी लेकिन जम्मू में कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं थी और हम जम्मू कश्मीर के नौजवान सारे मिलके जाति पात से ऊपर उठकर धर्म से ऊपर उठकर हम से लड़ाई लड़ेंगे स्टेट भी वापिस लेंगे टोल प्लाजा भी बंद करवाएंगे साथियों को छुड़वाएंगे।